अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर दिशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान एकेडमी। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, जो कि ये है 2 × 2x की स्केयर प्लस 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2x³ + 1 = 4 के। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सवाल दिया गया है इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया, यानी बटे की फॉर्म में दिया गया। तो बटे को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है कि एलसीएम लेना होता है। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए देखें, ये तो बटे की फॉर्म है, ये वाली रकम बटे की फॉर्म में नहीं है। जो रकम बटे की फॉर्म में ना हो आपने उसको बटे की फॉर्म में तब्दील कर लेना होता है उसके नीचे 1 लगा के। अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हमें यहाँ पे लाइन लगाएंगे। अब नीचे जो भी बटे के नीचे यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे देखें ये वाली रकम है। तो ये दोनों जो रकमें आती हैं ये दोनों हमने बटे वाली रकमें एलसीएम के तौर पे ले लेनी होती है। 1 नाम लिखें कोई बात नहीं होती, लेकिन दूसरी जो रकम है वो लिखनी होती है 2x³ + 1। ठीक है, अब इसके नीचे देखें 1 है, ये तो हमारा एलसीएम हो गया। अब इसके नीचे 1 है, ये वाली रकम नहीं ना, अगर ये वाली रकम नहीं है इसके नीचे तो ये वाली रकम ऊपर की रकम से मल्टीप्लाई होगी, और ऊपर भी देखें वही सेम रकम है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसका स्केयर बन जाएगा। और इसके नीचे देखें ये वाली रकम है, तो ये ऊपर वाली रकम जरब नहीं होगी बल्कि सिर्फ ऊपर वाला नंबर ही आएगा। इधर 4 है, 4 के नीचे भी 1 अपने पास से लगा लें। आई थिंक आपको इस इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आए तो आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके दोबारा एलसीएम लेना और इसको लिखने का तरीका दोबारा से सुने, 2-3 बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप समझ आ जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं मजीद। देखें आप यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन कर लेना है। तो इसको आप ए समझें, इसको आप ए समझ लें, इसको बी समझ लें। ठीक है जी, ए क्या है 2x² तो इसका क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, 2x² का स्केयर आ जाएगा। प्लस बी क्या है, 1 है तो 1 का स्केयर आ जाएगा। प्लस 2 × a और b, a b ये दोनों लिख लेंगे, डिवाइड कर दें, और प्लस ऊपर 3 भी है तो नीचे ये रकम सेम आ जाएगी 2x² + 1। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4x² पहले भी है 2 × 2 = 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 × 2 = 2 × 2 = 4 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2x² + 1 + 3 भी ऊपर है तो इस साइड पे क्या था 4 / 1 तो वही आ जाएगा। अब आप देखें ऊपर क्या बन गया, 4x² + 4x² + 4 फिर ये वाला प्लस 4x² + 4 नीचे क्या बन गया 2x² + 1 = 4 4/1। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ से ये 1 जो है इसको हमने इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को हम नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी रकम सेम एज इट ही आ जाएगी, 4x² + 4x² + 4। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4² = 8x² + 4 आ जाएगा। अब हमने सारी रकमें जो है वो एक तरफ लेके आ जाना है, सारी रकमें एक तरफ कर लेनी है तो इधर रह जाएगा 0 राइट हैंड साइड पे, ये दोनों रकमें इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x²
प्लस फोर एक्स की टू प्लस फोर माइनस एट एक्स की स्केयर माइनस फोर। इस फोर को भी ऐसे ले लें। तो ये आ जाएगा, देखें अब ये वाला प्लस फोर है, ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये एट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फोर एक्स की फोर प्लस फोर एक्स की टू, तो ये क्या बन जाएगा, ये फोर, ये जो फोर है फोर एक्स की फोर, ये क्या बन गया पीछे, ये प्लस का फोर एक्स की टू है, ये माइनस की एट एक्स की टू है, तो माइनस का फोर फोर एक्स की टू आ जाएगा इक्वल टू जीरो के। तो यहां से हम क्या काम ले सकते हैं, यहां से हम काम ले सकते हैं फोर एक्स की पावर टू काम ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा इधर एक्स की पावर टू माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब एक रकम ये बच गई, एक फैक्टर ये बना, एक फैक्टर ये बना, इन दोनों फैक्टर को हमने इक्वल टू जीरो रख लेना, तो ये फोर एक्स की टू इक्वल टू जीरो कर लें एंड एक्स की टू माइनस वन इक्वल टू जीरो कर लें, तो इससे क्या बचे, ये जो फोर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कि डिवाइड जीरो के साथ डिवाइड करके जीरो ही रह जाएगा, और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो फिर भी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, वो जीरो ही आएगी। और इस तरफ ऐड पे एक्स की टू ये वन हो जाएगा, जब हम दोनों तरफ क्या लेंगे अंडर रूट लेंगे, ये कट जाएगा और एक्स आ जाएगा प्लस माइनस वन के आ जाएगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो हम सॉल्यूशन सेट को इस तरह लिखेंगे, हमारा सॉल्यूशन सेट में एक तो जीरो ये वाला होगा, जीरो आ जाएगा, फिर एक दफा प्लस वन आ जाएगा और एक दफा माइनस वन। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल का नाम याद कर लें शान अकेडमी, जब भी आप कुछ ये आप क्वेश्चन को सर्च करने लगें तो इस नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछने में दिक्कत आई है इसे समझने में, तो आप इसको एक दफ़ा फिर आप शुरू से देखें, जहाँ पे समझ नहीं आई उससे फिर फौरी तौर पे पीछे करके आप इसको देखें, बार बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना। अब हम इंशाल्लाह देखते हैं इसका एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर जो सेवन को अब हम सॉल्व करेंगे।